हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का हमारा न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से है। अ कार मूव्स इन अ सर्कल एट कांस्टेंट स्पीड 50 मीटर पर सेकंड एंड कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इन 40 सेकंड। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ कार। तो जैसे हमें यहाँ पे दिया कि जो स्पीड है वो 50 मीटर पर सेकंड है, मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ v इक्वल्स टू 50 मीटर पर सेकंड, और एक रिवॉल्यूशन पूरा होने के लिए 40 सेकंड का टाइम लगता है, दैट इज अ टाइम पीरियड, दैट इज 40 सेकंड। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे कि विद दिस स्पीड एंड दिस टाइम पीरियड ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो हमें पता है कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस हो जाएगा v इन टू t। v है यहाँ पे 50, सॉरी इट इज 50, और टाइम है 40। तो ये देखो कितना हो जाएगा, इट विल बी 2000 मीटर। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये डिस्टेंस कौन सा। देखो, पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन में है या फिर सर्कुलर पाथ में ये रिवॉल्व हो रहा है, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है जो टाइम पीरियड में कवर हुआ था वो डिस्टेंस ये सर्कुलर डिस्टेंस रहेगा, मतलब सर्कमफेरेंस। मतलब क्या कि पार्टिकल अगर यहां से स्टार्ट होता है इस पॉइंट ए से, तो वापस इसी पॉइंट तक आने के लिए उसको 40 सेकंड का टाइम लगा, और उस 40 सेकंड में उसने जो डिस्टेंस कवर किया दैट इज नथिंग बट द सर्कमफेरेंस। मतलब इस डी को हम लोग 2 पाई आर से रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, दैट इज इक्वल्स टू 2000। अब यहाँ पे मैं इसको आर इक्वल्स टू इस फॉर्म लिखता हूँ, 2000 डिवाइड बाय 2 पाई, 2 से डिवाइड कर देंगे तो इट इज 1000 बाय पाई। पाई मतलब कितना, 3.14, और जब इसको डिवाइड कर देंगे 3.14 से तो हमें मिलेगा यहाँ पे 318.47, ये वैल्यू मिलेगी, दैट इज इन मीटर। ओके, इतना डिस्टेंस या सॉरी इतना रेडियस रहेगा ये सर्कुलर पाथ का। हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन। तो क्वेश्चन ये आता कि एक्सेलरेशन कौन सा। यहाँ पे ये जो पार्टिकल है ये कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज अ सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, राइट। तो यहां पे हमें फाइंड करना है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन विच इज गिवन बाय वी स्क्वायर अपॉन आर। तो वी की वैल्यू हमें पता थी, 50 दी है, ये हो जाएगा 50 × 50, स्क्वायर ना लिखते हुए मैं मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिखता हूँ, और जो रेडियस आया था वो था 318.47, राइट। तो अब इसको हमें डिवाइड करना है, तो 50 × 50 कितना हो जाएगा, देखो इट इज 2500 और 318.47। तो चलो अब इसको डिवाइड कर लेते हैं लॉग टेबल की मदद से। तो जब हम लोग लॉग टेबल की मदद से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7.85 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। ओके,